दफा मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सहित 8 लोगों के खिलाफ भोपाल कोर्ट में परिवाद पेश किया है। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में पेश परिवाद में शनिवार को दिग्विजय सिंह सहित अन्य गवाहों के प्राथमिक बयान दर्ज किए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा दिग्विजय सिंह के साथ भोपाल कोर्ट पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता भी कोर्ट पहुंचे। दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता अजय गुप्ता सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और विवेक तनखा के साथ परिवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा व्यापक घोटाले पर 27,000 पन्नों के परिवाद ने मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से भूचाल ला दिया है।